हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक्सेल के एक और नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम क्विक एक्सेस टूल बार की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार को यूज करने के शॉर्टकट कीज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा दिया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास डेटा दिया गया है। अब जैसे ही हम अल्ट की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार पर यहाँ पर नंबर्स शो हो रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही हम डेटा सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल नंबर्स को मुझे करना है रेड कलर, तो हम अल्ट की प्रेस करेंगे। फिर फॉन्ट कलर में आप देख सकते हैं यहाँ पे है नंबर 8, तो हम अल्ट 8 एंटर करेंगे और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हमने सेल्स रिपोर्ट को सिलेक्ट कर लिया, इसे हमें कलर देना है ब्लू, तो अल्ट 8 ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अभी हमें डेटा को कलर अप्लाई करना है, तो हम एंटर करेंगे अल्ट 9। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के शॉर्टकट कीज को यूज करना कितना इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर टूल्स ऐड कर सकते हैं जो आप यूज करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक्सेल में कुछ इस तरीके की और भी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, हमारे यूट्यूब चैनल राज सिंह माइक्रोसॉफ्ट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।